एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा टीवी की जानी मानी अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गई है। उन्होंने यूं तो कई सीरियल्स में काम किया है, लेकिन उन्हें असली पहचान गुम है किसी के प्यार में से मिली है। इस शो में वो पत्रलेखा और पाखी के रूप में नेगेटिव रोल प्ले करती रही है। यूं तो ऐश्वर्या शर्मा को पाखी के किरदार में खूब पसंद किया जाता है, लेकिन कई बार अपने किरदार के चलते वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाती है। ऐश्वर्या शर्मा एक्टिंग लाइफ के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। ग्लैमरस फोटोज़ के साथ साथ वो मज़ेदार रील्स भी बनाती नजर आती है। हाल ही में पाखी ने छोटे पर्दे की मशहूर विलेन कोमोलिका की नकल उतारते हुए नजर आई, जिसे देख लोग उन्हें डायन कहने लगे। ऐश्वर्या शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक्ट्रेस को कोमोलिका के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उनकी एक्टिंग उतारते हुए देखा गया। हालांकि वो शुरू तो अच्छा करती है, लेकिन उनकी नकल उतारते उतारते वो अपने बाल अपनी उंगली में फंसा लेती है। जिस तरह वीडियो में उनकी मिमिक्री फेल हो जाती है, उसी तरह लोगों के दिलों में भी ये जादू चलाने में कामयाब नहीं हो पाती है। ऐश्वर्या ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, जब पत्रलेखा कोमोलिका बनने की कोशिश करती है। इस वीडियो के चलते पाखी बुरी तरह ट्रोल हो गई है। एक यूज़र ने कमेंट में लिखा, वैसे भी ये डायन कोमोलिका से कम नहीं। एक यूज़र ने लिखा, तुम कभी कोमोलिका के रोल के लिए सिलेक्ट नहीं होगी, रिजेक्शन लिस्ट में पहले तुम्हारा ही नाम होगा। एक ने लिखा, एकदम डायन लग रही है ये चिपलेखा, इन दिनों गुम है किसी के प्यार में। पाखी और सई के बीच वीनू को हासिल करने को लेकर जंग छिड़ी है। सई किसी भी कीमत पर वीनू को पाना चाहती है और पाखी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती है। विराट भी पाखी का साथ दे रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।